बड़े भाई का काम चल रहा है माइती अपार्टमेंट में, तो वहां से कुछ सामान वगैरह लाना था, टूल्स वगैरह। तो मैं वहां से वो टूल्स वगैरह ला रहा था, लड़के का एक लड़का भी था मेरे साथ है, वो मजदूर, उसके साथ में सामान को लेके बाइक पे घर आ रहा था। घर पे आके सामान उतारा, गाड़ी घुमा के फिर दोबारा वहीं जा रहे थे। मगर जब मैं श्री राम चौक पे पहुंचा, मैंने देखा पीछे से पुलिस वाले मार रहे थे दो तीन बंदों को, उसमें जैसे चो और दो कॉन्स्टेबल भी थे। ठीक है, तो मैं गाड़ी देखता हुआ जा रहा था, उन्हें मैंने वहाँ गाड़ी घुमाई और मैंने उस लड़के से कहा, मैंने कहा भाई तुम चले जाओ। वो कहने लग गया भाई मुझे पैसे दे दो कुछ। मैंने कहा भाई मेरे पे पैसे नहीं है, तारीख भाई से ले लेना पैसे, बड़े वाले भाई हैं। वो जिद करता रहा, इतने में सच्चे मेरे पास आ गया, मेरी गाड़ी के पास। 21 तारीख का वाक्या है, मैं घर में खाना खा रहा था, मेरे सामने वाले पड़ोसी ने मुझे आके बताया कि तुम्हारे छोटे भाई को पकड़ के पुलिस ले गई है। फिर मैं खाना छोड़ के एकदम पुलिस स्टेशन पहुंचा मधुविया थाने, तो देखा तो वहाँ जाके मैंने देखा मेरा भाई मुझे नहीं मिला। फिर मैंने किसी से पूछा कि आरिफ नाम के लड़के को भी लेके आए, तो उन्होंने बताया कि इस कमरे में जाके चेक कर लो। जब मैंने उस कमरे को खुलवाया तो मेरे भाई को चैन से बांध के वो पुलिस वाले, दो पुलिस वाले उस टाइम में मार रहे थे, जिसका नाम प्रमोद और श्याम सुंदर था। जब मैंने उनसे पूछा कि इसे क्यों मार रहे हो, किस वजह पे मार रहे हो, इसका जुर्म क्या है जो इतनी बहरे में से आप उसे मार रहे हो, तो कहने लगा अभी तुझे भी बताएंगे। पहले जब मेरा उसने फोन छीना सबसे पहले, और चार पांच पुलिस वालों को उसने आवाज लगाई, तो चार पांच पुलिस वाले मुझे मारते हुए अंदर ले गए और मुझे कहीं कमरे में जाके उन्होंने बंद कर दिया। फिर उसके बाद मेरे भाई को बहुत बहरेमी से मारा है। आज 6 दिन हो गए, 7 दिन हो गए, वो चल भी नहीं पा रहा और खुद से कुछ खा भी नहीं पा रहा। हॉस्पिटल वालों ने उसके पेशाब करने के लिए नलकी लगा रखी पेशाब के अंदर, मतलब कि उसको बिल्कुल लाचार कर दिया है, वो अपने आप कुछ भी नहीं कर पा रहा है। वजह क्या है, क्यों मारा गया इतना? ये है बस छोटी सी वजह, ये है कि उसकी गाड़ी में नंबर प्लेट नहीं थी, और जिस तरीके से उसने मुझे बताया है, कह रहा है भाई मैंने नाम बताया, नाम बताने के बाद मुझे ज्यादा मारा। बस और अभी क्या कुछ चल रहा है पुलिस के? अभी हमने कंप्लेंट की है DCP ऑफिस में, तो उनकी तरफ से उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम कानूनी कार्रवाई करेंगे जो भी सख्त से सख्त होगी। अभी आज वो आए थे तो आरिफ का वो बयान लेके गए हैं, और जो मौके पे उस टाइम पे थे चश्मदीन, उनका भी उन्होंने बयान लिया है, प्लस मेरा भी लिया है।